रूस और यूक्रेन की जंग को 1.5 साल होने वाले हैं। इसी बीच ये जंग और तेज हो गई है। इससे यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति ने गुरुवार को कहा कि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के जपोरिजिया क्षेत्र में भीषण युद्ध हो रहा है। पश्चिमी देश के एक अधिकारी ने पहले बताया था कि कीव ने रूसी सेना को पीछे धकेलने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। रूसी सेना बहादुरी से दे रही हमलों का जवाब अफ्रीकी नेताओं के सम्मेलन के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद पुतिन ने कहा कि जिस बहादुरी से रूसी सेना ने यूक्रेन के हमलों का जवाब दिया है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने दावा किया है कि रूसी सेना ने न सिर्फ कई सैन्य उपकरणों को नष्ट किया है बल्कि कीव के बलों को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। इससे पहले हाल ही में रूस ने ओडेसा के ऐतिहासिक स्थल पर भी हमला किया था जिससे वहां के लोगों में भारी आक्रोश है। महज एक सप्ताह के भीतर रूस ने ओडेसा इलाके में दर्जनों मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से एक ने ऐतिहासिक और यूक्रेन एवं रूस की संस्कृति के प्रतीक कैथेड्रल को क्षतिग्रस्त कर दिया है।